चैनल जिसके साथ हम लोगों को करते हैं। मैं आज आपको टोलगेट के बारे में बोलना चाहता हूँ कि टोलगेट पास आप कैसे तो फ्रेंड्स देखिए आपके पास फास्टैग नहीं है तो यहाँ पे एक बूथ होगा टोल गेट के पास। देखिए यहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और अपना आधार कार्ड देकर अकाउंट में लिंक करके फास्टैग 250 रुपये देता है, 250 से 300 रुपये आप बना सकते हैं और फास्टैग कार्ड आपको गाड़ी में लगाकर टोल पास एंट्री कर सकते हैं। और जो मंथली पास बोलते हैं फास्टैग रिचार्ज करने के बाद उसी पर आप मंथली पास करते हैं जो कि 15 से 25 किलोमीटर के अंदर लोकल गाड़ी को मिलता है। तो आइए देखते हैं लोकल गाड़ी फास्टैग करने के बाद इसके अंदर रिचार्ज करके मोटरी पास कैसे सकते हैं। अगर आपके पास पास नहीं है जो कि फास्टैग बोलते हैं, फास्टैग कार्ड आप कैसे करेंगे तो टोलगेट ये के पास आप पहुंच के पास करते हैं जो कि 15 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर जो भी टोलगेट के अंदर रहता है वहाँ पे आप 15 से 25 किलोमीटर के अंदर कर सकते हैं। तो देखिए कैसे टोलगेट पास करते हैं। ये टोलगेट का ऑफिस है, हम चलेंगे अब ऑफिस में। अब ऑफिस में जाके टोलगेट करेंगे आपका आरसी, आधार, पैन और गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स और गाड़ी का एक फ़ोटो इतना सबमिट करने के बाद वो पास आपका वेरीफाई करके दे देते हैं। मंथली पास एक महीना 1 तारीख से 30 तारीख और 20 तारीख को इसी सीढ़ी से चलते हुए हम लोग वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ पे ऑफिस है। वहाँ पे ऑफिस पहुँच गए हैं और ऑफिस में एंट्री करते हैं और पास लेते हैं। फ्रेंड्स, ये था टोलगेट के बारे में जानकारी। आप फास्टैग आप नहीं कर पाए तो कैसे फास्टैग करें, और फास्टैग कार्ड करने के बाद आप मंथली पास कैसे करें, और मंथली पास करके आप फ्री में कैसे एक महीने जाना आना कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों का शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू माय फ्रेंड।